विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, पंजाब टेनेंसी एक्ट, पर्सनल कल्टीवेशन, क्वेश्चन 15, डिस्कस इन डिटेल द लॉ रिलेटिंग टू पर्सनल कल्टीवेशन। पर्सनल कल्टीवेशन का लॉ क्या है कि एक लैंडलॉर्ड कितनी ज़मीन अपनी कल्टीवेशन के लिए अपने पास रख सकता है। 2009 PU डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू लिमिट ऑफ होल्डिंग फॉर पर्सनल कल्टीवेशन, पर्सनल कल्टीवेशन के लिए क्या कानून मौजूद है। 2013 एनालाइज द प्रोविजंस ऑफ पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 विच रिलेट टू लिमिट ऑफ होल्डिंग फॉर पर्सनल कल्टीवेशन। बताइए वो कौन से प्रोविजंस हैं जो बताते हैं पर्सनल कल्टीवेशन के बारे में। फॉर कंप्लीट आंसर एंड कंप्लीट ऑडियो लेक्चर यू कैन कंटेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप 0333-46-55-305। This is my WhatsApp answer. Relevant provision kya hai iska? Section 115 of Punjab Tenancy Act 1887. Section 115. There are 8 points about that. Point 1. Person owning more than 100 acres. Ek jagirdar hai. Uske paas 100 acres se zyada ka rakba hai, zameen hai. Cannot possess irrigated cultivable land exceeding 50 acres for personal cultivation. एक शख्स जिसके पास 100 acres हैं या उससे ज़्यादा ज़मीन है, वो शख्स personal cultivation के लिए, खुद उगाने के लिए, crops उगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 50 acre रख सकता है। 50 एकड़ पर खुद वो काश्तकारी कर सकता है। जिस 50 एकड़ को अपने पास रखेगा वो कल्चरेबल होनी चाहिए, यानी कि काश्त के काबिल जमीन हो, इरिगेटेड, उसको पानी मिलता हो। यानी कि एक लैंडलॉर्ड 50 एकड़ जमीन जिसको पानी मिलता हो, जो काश्त के काबिल हो, अपने पास खुद अपनी YBG के लिए रख सकता है पर्सनल कल्टीवेशन के लिए। 100 एकड़ पर कल्टीवेट खुद क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि वो बहुत अमीर हो जाएगा, इसलिए कि वो मैनेज नहीं कर पाएगा, कास्ट कम आएगी, और दूसरों का भला भी होना है जो जागीरदार नहीं है। मे बी ये जहन में हो। सो आपने एक बात वाजे कर ली, एक आदमी जिसके पास 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, वो शख्स पर्सनल कल्टीवेशन के लिए 50 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता। हाँ, शर्त है कि 50 एकड़ ज़मीन जो उसके पास होगी वो इरिगेटेड हो, से पानी मिलता हो और वो काश्त के काबिल हो। पॉइंट टू, इफ़ ए पर्सन ओन्स, अगर एक शख्स के पास 100 एकड़ ज़मीन या इससे ज़्यादा की है, मस्ट हैंड ओवर द एक्सेस लैंड टू टेनेंट, वो लाजमी बाकी की ज़मीन टेनेंट को दे, किसी ठेकेदार को दे, किसी गरीब को दे, मुजिर को दे, ताकि वो वहाँ पर काश्तकारी करे। आफ्टर द इन्फोर्समेंट ऑफ पंजाब टेनेंसी एक्ट 1952 का पंजाब टेनेंसी एक्ट जब से इन्फोर्समेंट होगा, उस दिन से उसे चाहिए कि उसको ज़मीन को टेनेंट के हैंड ओवर करे। यानी कि जैसे ही 1952 का एक्ट आए, इन्फोर्स हुआ, बस उसी वक्त आपने ज़मीन 50 एकड़ अपने पास रखनी है, बाकी टेनेंट को दे देनी है। जनाबे वाला, माजरत के साथ, कितना टाइम हमारे पास है? आज कानून लग गया, 1952 के पंजाब टेनेंसी एक्ट लग गया, कितना टाइम हमारे पास है? अगर टेनेंट भी तो ढूंढना है, उस मिरासी को भी तलाश करना है। विद इन 3 months, लॉ कहता है 3 माह के अंदर अंदर। हाँ, अगर मेरी क्रॉप स्टैंड हैं और उनको पकने में 2 माह 3 माह 4 माह चाहिए, तो जब क्रॉप्स पक जाएं, कट जाएं, और उस क्रॉप्स के रिमूवल के 1 महीना के बाद तक का टाइम है तुम्हारे पास।
वाह 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 वाह, ये तो बड़ी रियायत दे दी। एक शख्स कहता है, जनाब मैं तो मिलिट्री में हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिलती। मिलिट्री मैन को 6 मंथ का टाइम दिया गया कि तुम्हारे पास लॉ की इन्फोर्समेंट से आगे 6 माह का टाइम है। एक शख्स कहता है, जनाब मैंने अभी अभी बीज बोया है, सोइंग इज, तो उसके लिए कहा कि सोइंग है तो कोई बात नहीं, जो टेनेंट आगे तुमसे ज़मीन लेगा वो कंपनसेशन देगा, तुम्हें पैसे देगा। सोइंग इज गैदर्ड बाय कंपनसेशन। एक शख्स कहता है, जी मैंने कहा है मुझे पैसे दे दो, मेरी तो लड़ाई हो गई है, तो डिस्प्यूट इज सॉल्व्ड बाय आरओ, आरओ डिस्प्यूट सॉल्व करेगा। पॉइंट 3, इफ फेल्स इन फाइंडिंग सूटेबल टेनेंट, अगर एक शख्स सूटेबल टेनेंट तलाश करने में नाकाम रहा, इंटीमेट इन राइटिंग टू रेवेन्यू ऑफिसर, वो रेवेन्यू ऑफिसर को इंटीमेट देगा, रेवेन्यू ऑफिसर को वो लिखी हुई एक रिपोर्ट देगा कि जनाब मेरे पास एक टेनेंट था लेकिन वो तो दहशत गर्द निकला, या मेरे पास एक टेनेंट आया वो काम उसने शुरू किया लेकिन वो तो मिरासी निकला, तो इसलिए सूटेबल टेनेंट नहीं मिलना, मैंने अपनी ज़मीन खुद उगानी शुरू कर दी। नो, वो रिपोर्ट करेगा आरओ को और आरओ उसे बताएगा तूने खुद उगानी है ज़मीन या तुझे मैं तलाश करके देता हूँ कोई सूटेबल टेनेंट। 4. कैन एक्सचेंज 50 acres लैंड, वो जो कल्चरेबल, कल्चरेबल का मतलब होता है वो ज़मीन जिसको कल्टीवेट किया जा सके, जिस पर कुछ उगाया जा सके, एरिएबल भी कहते हैं उसे, तो 50 acres की ज़मीन जो एक शख्स के पास है, वो 50 acres ज़मीन एक्सचेंज भी कर सकता है, उसके कुछ हिस्से भी एक्सचेंज कर सकता है। अगर इनहेरिटेंस का मामला आ गया है तो फिर भी वो ज़मीन आगे पीछे कर सकता है। 5.5, गवर्नमेंट कैन इंटाइटल द एडिशनल एरिया इन केस ऑफ, गवर्नमेंट किसी को एडिशनल एरिया भी दे सकती है। अरे वाह, गवर्नमेंट एडिशनल एरिया देगी किसको? किसी को 50 acres के ऊपर 10 acres और भी दे सकती है। रायवेरियन, अगर किसी की ज़मीन दरिया में आती है और दरिया चढ़ाता है ऊपर, तो गवर्नमेंट कह सकती है 10 acres और भी तुम्हें ज़मीन दी क्योंकि तुम्हारे 10 acres पर दरिया जो आ जाता है। बाज़ुकात लोगों की ज़मीन दरिया के करीब होती है। अनकल्चरेबल, कोई कहता है जनाब मेरी ज़मीन कल्टीवेशन तो करती है लेकिन इसके कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कल्चरेबल नहीं है, तो जहाँ पर कुछ उगता नहीं है तो गवर्नमेंट दे सकती है। सेम थूर, सफ़ेद सफ़ेद सफ़ेदी पड़ी होती ज़मीन पर, जिस ज़मीन में पानी नीचे ज़्यादा होता है उधर सेम थूर हो जाता है, वैसे भी वॉशरूम घर में हो, घर पुराना हो तो सेम आ जाती है। जिस ज़मीन पर सेम होती है, थूर होता है, वो ज़मीन नमकियात उगल रही होती है सफ़ेद कलर का, वहाँ पर फसलें नहीं उगती। अगर किसी की ज़मीन पर सेम थूर है तो हो सकता है गवर्नमेंट का है परें दफ़ा हो, ले जितनी भी ज़मीन है जा उगा, अगर उगती है तुझसे उसको गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सकती है भाई। 6, लैंड फॉर कैटल फार्म एंड स्टड फार्म इज एग्जेम्प्टेड, जो ज़मीन किसी ज़मींदार के पास कैटल फार्म के लिए है, भाई यहाँ पर मेरी मवेशी ठहरते हैं, ये 5 acres ज़मीन पर मेरे मवेशी रहते हैं, या ये 5 acres ज़मीन मैंने छोड़ी हुई है स्टड फार्म के लिए, घोड़ों की, काऊ की ब्रीड के लिए, उनकी परवरिश के लिए, तो उसको 50 acres में दाखिल शामिल नहीं किया जाएगा, वो ज़मीन एग्जेम्प्ट है, छोड़ दो उस ज़मीन को, काउंट मत करो जिस ज़मीन पर मवेशी है। 7, जानवर का भी तो इस रूए ज़मीन पर हक है आकर कोई। 7, टेनेंट इज अलाउड 25 acres, टेनेंट को अलाउ है कि वो 25 acres तक ज़मीन होल्ड करके उस पर कुछ उगा सकता है, 25 acres से ज़्यादा की ज़मीन तो टेनेंट भी नहीं रख सकता, अदरवाइज लैंडलॉर्ड अपनी ज़मीन किसी को ठेके पर दे और दूसरे की ज़मीन अपने पास रख ले।
एज अ टेनेंट बन जाए। तो गवर्नमेंट ने कहा 25 एकड़ से ज़्यादा टेनेंट भी नहीं रख सकता। मेरी बात आप समझ जाएंगे। 8, गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट एनी पर्सन एनी लैंड, गवर्नमेंट किसी भी शख्स को किसी भी पर्सन को छोड़ सकती है कि ज़्यादा ज़मीन रखे या सारी ज़मीन रखे। सो नाइस ऑफ यू। तो आपने जहन में क्या चीज़ें रखनी हैं, 8 पॉइंट्स बार बार पढ़ेंगे, कहानी याद रह जाएगी। 5 पॉइंट याद आ गए तो हेडिंग सब हेडिंग बन जाएंगी, आप बना लेंगे। सो नाइस ऑफ यू।